अगला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपान ये एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, हैंस आल्सो डिड्यूस द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन बी एक्स अपान ये एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, हम पहले पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेट लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपान यक्स डी एक्स हमको दे रखा है। इसको कोई इक्वेशन नंबर वन बना लेते हैं और इक्वेशन नंबर वन को बी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंसिएट करते हैं। क्या करते हैं? बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंसिएट करते हैं तो हमको लेफ्ट में क्या मिलेगा? डी आई अपान डी बी, और राइट में हम बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई के पावर माइनस के ए एक्स और ये अपान में एक्स, ये दो कांस्टेंट रहने वाला है। सिर्फ हमको किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? साइन बी एक्स को। तो साइन बी एक्स का क्या, साइन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस बी एक्स आ जाएगा। फिर बी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यक्स आ जाएगा, क्योंकि हम बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बी एक्स को डिफरेंशिएट किया तो यक्स कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया। ठीक है, और डी एक्स तो है ही, तो इस यक्स से यक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिंपली कितना बचेगा? इंटीग्रल ई के पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास बना हुआ है, अगर इसके अंदर एक हम माइनस को हटा दें, इस माइनस को हटा दें, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसको हम अलग से डिराइव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि ये कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये कितने के बराबर होता है, ये आपका e के पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन ए एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है? ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या ई के पावर माइनस माइनस ए एक्स है, तो जहाँ क्या करेंगे, बस जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या करेंगे, एक माइनस बी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलो इतना हो गया, ए कॉस बी एक्स और बी साइन बी एक्स है। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, लिमिट इसका भी 0 से इन्फिनिटी ही है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद अब लिमिट क्या करोगे, 0 से इन्फिनिटी ही रखोगे। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो डी आई अपान डी बी लेफ्ट डी स्मॉल पे लिखते हैं, लेफ्ट में चल रहा है और राइट में क्या चलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन अपान ई के पावर माइनस ए एक्स है, तो ए की जगह माइनस ए रखेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो तो क्लियर हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, वन अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का इनके साथ ही आ रहा है। और फिर क्या, ई के पावर माइनस ए एक्स आएगा ये वाला। और फिर क्या, अंदर की बात करते हैं तो अंदर क्या मिलेगा, पहले ए कॉस बी एक्स, तो क्या करेंगे, माइनस ए कॉस बी एक्स लिखेंगे प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, चलो क्योंकि सिर्फ ए के साथ ही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ए के साथ माइनस में मल्टीप्लाई में है तो बी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बी वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसका लिमिट भी लिख देते हैं, लिमिट कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। चलो तो अब क्या करते हैं, अपने लिमिट को रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप क्या करो, ऊपर का नोट करो, हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ई के पावर इन्फिनिटी क्या होता है। ठीक है, तो ई के पावर इन्फिनिटी डायरेक्टली इन्फिनिटी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा ए भी मल्टीप्लाई में है, तो ई के पावर क्या बनेगा, इसके ऊपर ए भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, इसके ऊपर ए भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। चलो तो क्या करते हैं, पहले लिमिट रखते हैं। ठीक है, तो क्या रखेंगे, पहले हम इन्फिनिटी रखेंगे, तो डी आई अपान डी बी वन अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमने क्या बोला कि डायरेक्टली हम इन्फिनिटी नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो हम क्या जानते हैं, अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो उस सिचुएशन में e के पावर माइनस ए यक्स लिमिट यक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी कितना होता है, 0 के बराबर होता है। सिर्फ एक ही केस में, जब ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पे ए अभी 0 से बड़ा है कि छोटा है ये बात डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको इन्फिनिटी के बराबर नहीं रखेंगे, हम पहले एक लाइन और ऐड करेंगे, कौन सा, लिमिट को ऐड करेंगे। ठीक है, कि क्या बोलेंगे हम, बाहर ही लिख लेते हैं। ठीक है, लिमिट यक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस ए एक्स
माइनस ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। फिर क्या, माइनस साइन लगाएंगे, जीरो रखेंगे। तो देखो, जीरो रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई के पावर एक्स की जगह जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू ए जीरो हो जाएगा, ई के पावर जीरो वन हो जाने वाला है, तो जीरो रखने पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बाहर है ना, तो इसको यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जीरो रखेंगे तो ई के पावर जीरो, यहाँ पे वन बचेगा, वन बच गया। अब यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो क्या बनने वाला है, कॉस जीरो बनने वाला है। तो कॉस जीरो मतलब क्या, वन हो गया। यहाँ पे माइनस ए है तो माइनस ए मिल जाएगा, और फिर जीरो रखोगे साइन जीरो जीरो मतलब ये तो जीरो हो गया, खत्म। ठीक है, तो क्या मिला हमको, इतना मिला। अब देखो अपनी वही नीचे का नोट करो, अब वही बात बोलते हैं कि अगर ए का वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाए तो उस सिचुएशन में ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर हम क्या बोलेंगे, जो भी हमने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में नहीं भी कुछ टाइम पहले जो बोला था उसी को बोलते हैं। ठीक है, इफ इफ ए का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, तो उस सिचुएशन में लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए एक्स कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। ये हम जानते हैं लिमिट की प्रॉपर्टी से, और लिमिट चैप्टर के अंदर हमने देख भी रखा है इसको। तो हम सिर्फ उसी केस के लिए चलेंगे जिसकी ए का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, डी आई अपान डी बी, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू जब जीरो से बड़ा है तो ये जीरो हो गया, तो पूरा जीरो कर दिया। मतलब सिंपली ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लिख देना वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन जीरो के लिए डी आई अपान डी बी का वैल्यू इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर टू बना देते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर वन बनाया था ना, तो इसको कोई क्वेश्चन नंबर टू बना देते हैं, और इसको क्या करते हैं, बी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं स्मॉल बी को, क्योंकि हर जगह हमने स्मॉल बी ही यूज किया था स्टार्टिंग से। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट में आई मिलेगा और राइट में क्या, बी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर का ए क्या होने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। हमको किसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, वन अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी बी। ठीक है, तो देखो यार, आप तो जानते ही हो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, वन बाई ए टेन इनवर्स बी बाई ए आने वाला है। हो गया, चलो तो वही रखते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाई ए बाहर, फिर क्या टेन इनवर्स, फिर क्या बी बाई ए, और एक कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा सी भी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये लिमिट नहीं बना हुआ है, लिमिट कोई लिखा नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो उसके लिए तो एक कॉन्स्टेंट सी आपको लेना पड़ता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। तो यहाँ ए से ए क्या होने वाला है, कट जाने वाला है, मतलब हमारे पास क्या बचा, आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस सी। अब इस सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्वेश्चन से निकलेगा। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया। चलो तो देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, इसको आई के बराबर माना था, इक्वेशन नंबर वन यही था, I इज इक्वल टू ये। तो अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर b का वैल्यू जीरो पुट कर दें, इक्वेशन नंबर वन के अंदर b का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो पूरे को जीरो बना देगा, जीरो अपॉन समथिंग वो भी जीरो हो गया। मतलब सिंपली i का वैल्यू क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो b का वैल्यू जीरो है तो i का वैल्यू भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब क्या करते हैं, यही दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं, इसका कोई इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो। अभी तक टू ही इक्वेशन बनाया था ना, हाँ टू ही बनाया था, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो, और इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर बी का वैल्यू जीरो और आई का वैल्यू जीरो रखो। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो देखो क्या मिलने वाला है हमारे पास, आई इज इक्वल टू जीरो हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे जीरो हो गया लेफ्ट में, राइट में टेन इनवर्स जीरो अपान ए प्लस सी। तो टेन इनवर्स जीरो अपान ए मतलब क्या, टेन इनवर्स जीरो मतलब क्या, जीरो, मतलब सी का वैल्यू भी क्या मिल गया, जीरो के बराबर। तो C क्या मिल गया, जीरो के बराबर। C का वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू टेन इनवर्स B बाई ए। और पहले पार्ट में यही हमको प्रूफ करना था कि ये टेन इनवर्स B बाई ए के बराबर है, तो ये बात प्रूफ हो गया, इसको नोट करो। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, ठीक है। चल तो क्या दे रखा है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स अपान
dx इज इक्वल टू कितना आ चुका है, tan इनवर्स b बाई ए आ चुका है, tan इनवर्स b बाई ए आ चुका है। अब इसी को यूज करके हम सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो हम नीचे ग्राफ कर देते हैं, आप अगर नोट नहीं किया तो थोड़ा सा बैक करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो लास्ट इक्वेशन बनाया इसको कोई इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। इसके अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों जगह ए का वैल्यू जीरो रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ए का वैल्यू जीरो रखते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, जी ए का वैल्यू जीरो रखोगे, ए इंटू एक्स जीरो मतलब ई के पावर जीरो, ई के पावर जीरो मतलब क्या वन हो जाने वाला है, तो इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी बनेगा। और साइन बी एक्स अपान एक्स डी एक्स, और राइट में क्या बनेगा, ए का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वन अपान जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी बन जाएगा, टेन इनवर्स बी अपान ऐसे लिखो, बी अपान जीरो लिखो, ठीक है। क्योंकि देखो अभी बी का वैल्यू भी मालूम नहीं है हमको, क्योंकि आपको भी मालूम है बी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो टेन इनवर्स का वैल्यू दूसरा होगा, बी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो टेन इनवर्स का वैल्यू दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो दूसरे पार्ट के अंदर हमको लेफ्ट में प्रूफ करना है वो आ चुका है, अब राइट में इसका वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। चलो तो अगर हमारे पास बी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाए, अगर बी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाए तो ऊपर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, ऊपर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी और नीचे क्या जीरो, तो ऊपर कोई नंबर मान लेते हैं वन ही है, वन अपॉन जीरो मतलब क्या इन्फिनिटी, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या मतलब पाई बाई टू मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी इसको अलग रख लेते हैं, टेन इनवर्स बी अपान ए था, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू पाई बाई टू आएगा इफ बी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए। अब दूसरे केस बनाते हैं, जब बी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, ठीक है। बी का वैल्यू अगर जीरो से छोटा हो जाए तो यहाँ पे एक निगेटिव नंबर आ जाएगा, मान लेते हैं एक निगेटिव नंबर आ गया, अब कुछ भी आ जाए 5 6 7 कुछ भी आ जाए, तो ऊपर -5 नीचे क्या जीरो, तो मतलब क्या सिंपली क्या बचेगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाई टू, लेकिन एक स्टेप माइनस साइन भी आएगा। तो क्या जब आपका बी का वैल्यू जीरो छोटा होगा जीरो से, तो आपके पास इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस के पाई बाई टू आएगा, ठीक है। दोनों सिचुएशन क्लियर है। हमने क्या बोला, इसके अंदर ए का वैल्यू जीरो रखा तो क्या बन गया, ये बन गया। और फिर क्या बना था राइट में, टेन इनवर्स बी अपान ए बना था, टेन इनवर्स बी अपान ए बना था। तो बी का वैल्यू जब ए से क्या, सॉरी, क्योंकि ए का वैल्यू हमको जीरो रखना ही है तो नीचे तो जीरो रखना ही है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर प्रॉब्लम है। अगर बी का वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाए तो डायरेक्टली ऊपर पॉजिटिव क्वांटिटी नीचे जीरो मतलब सिंपली इन्फिनिटी हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाई टू मिल जाएगा। लेकिन अगर बी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए तो एक निगेटिव भी मिलेगा, और टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो मतलब एक माइनस पाई बाई टू भी मिलने वाला है, ठीक है। इसको नोट करो।